नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरीन। शुरुआत करते हैं खबरों की। 16 अगस्त को डिबाई विकास समिति की स्थापना दिवस और वीरांगना अवंतीबाई लोधी के जन्म दिवस पर संस्थापक सदस्यों और कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक भुवनेश मथुरिया के कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक में संगठन के विस्तार और सरकारी विद्यालय और अस्पतालों की अव्यवस्थाओं को संबंधित अधिकारियों के माध्यम से सही कराने का निर्णय लिया गया। डिबाई देहात के प्राथमिक विद्यालय ग्राम अफजलपुर को गोद लेने का निर्णय लिया गया। समिति प्रत्येक शनिवार और रविवार को गांव-गांव जाकर जनजागरण अभियान चलाएगी। आसियाना में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर राजा मलिक ने अपना एक निजी संगठन बनाया जिसका नाम राष्ट्रीय मानव सेवा संगठन रखा गया है, जिसमें खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव राजा मलिक हैं, जबकि राष्ट्रीय महासचिव का पद मोहम्मद अथर अंसारी एडवोकेट को दिया गया है, तो वहीं राष्ट्रीय संरक्षण का पद रवि सिंघल को दिया गया है। इस संगठन में करीब सैकड़ों लोगों को जोड़ा गया। सियाना के एक स्कूल की मीटिंग हॉल में प्रोग्राम रखा गया था। दरअसल आज एक संगठन बनाया गया है आपके द्वारा, क्या संगठन का नाम रखा गया है, क्या उसके उद्देश्य हैं? दरअसल आज राष्ट्रीय मानव सेवा संगठन नाम से एक संगठन बनाया गया है और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि गरीब मजदूर मजलूम और बेसहारा लोगों को उनकी मदद करना है और हर संभव उनका सहयोग निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करना ही राष्ट्रीय मानव सेवा संगठन का उद्देश्य है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे आज पूरे भारतवर्ष के अंदर गरीब मजदूर मजलूमों की कोई सुनने वाला नहीं है, वो फरियादी जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि चारों तरफ अत्याचार ही अत्याचार, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसी चीज़ को देखते हुए एक मन में विचार आया कि राष्ट्र मानव सेवा संगठन बनाया जाए और पूरे भारतवर्ष के अंदर इसमें रह करके लोगों को जोड़ा जाएगा और जहाँ लगेगा कि किसी के खिलाफ अगर यदि अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उसको रोका जाएगा। और राष्ट्रीय मानव सेवा संगठन के सभी पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और उनको केवल सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य रहेगा कि मजलूम और मजदूरों और बेसहारा लाचारों की मदद करना, उनका सहयोग करना। और अगर जो प्रदेश के अंदर जो सरकारें चल रही हैं और जो सरकारी योजनाएँ होती हैं उनका लाभ अधिकतर पात्रों को नहीं मिल पाता, तो राष्ट्रीय मानव सेवा संगठन का काम जो रहेगा वो पात्रों तक लाभ पहुंचाना रहेगा, जो सरकारी योजनाएं बनती हैं और उनकी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचे, ये हमारा सहयोग रहेगा। डॉक्टर साहब, लगभग आज इस संगठन में कितने लोगों को जोड़ा गया है? 100 से ज़्यादा राष्ट्रीय मानव सेवा संगठन में जोड़ा गया है, उनको पदाधिकारी बनाया गया है और लोगों में एक उत्साह देखने को मिला है, एक जोश देखने को मिला है, लोग उत्साहित हैं राष्ट्रीय मानव सेवा संगठन से जुड़ने के लिए।